नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। सरकारी सुविधाओं से पहले लॉकडाउन में मिल रही है पुलिस की लाठियां। जी हां, वायरल हुआ गाजीपुर का वीडियो, आइए देखते हैं अभिनेंद्र की ये रिपोर्ट। के 6.5 लाख संक्रमित मरीज, 30,500 की मौत। भारत में 1,050 संक्रमित मरीज और 27 की मौत। तो क्या लॉकडाउन से बचेगा भारत? चीन की पहली कोरोना पेशेंट 57 साल की महिला थी। भारत में कोरोना पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये एक गंभीर विषय है। जी हाँ, अब ये संख्या 1,000 के पार पहुंच चुकी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पर है और जिला प्रशासन का ड्यूटी पर होना भी लाजमी है, क्योंकि सवाल लॉकडाउन का है और लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के वजह से, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, एक दूसरे से दूरी बना के रह सकें। लेकिन इसमें कई नियम हैं, नियम सरकार ने निकाले हैं तो पालन तो करना ही होगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि डीएम साहब की गाड़ी रुकी है और बाहर एक स्कूटी पर लड़का खड़ा है, पुलिस वालों ने उसे घेर रखा है। डीएम साहब या उस गाड़ी में बैठा कोई उस लड़के से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लड़का भी जवाब दे रहा है। लेकिन अचानक एक आदेश पर पुलिसकर्मी ने उस लड़के के हाथों से चाबी छीन ली। लड़के ने कुछ बोला तो पुलिस वाला उसे भगाने लगा। लड़के ने फोन निकाला तो पुलिस वाला गुस्से में आ गया, उसका फोन छीनने गया, लेकिन लड़का नहीं माना। लड़का बोलता रहा, अपनी बातें रखता रहा, लेकिन पुलिस वाला नहीं माना। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बनाने की सारी बात भाग गई। उठी क्या तो उठी लाठी, और लाठी उठकर सीधे चली लड़के के ऊपर। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, सारा कोरोना गया इधर उधर, कहीं कुछ नहीं। सवाल था आत्मसम्मान का, सवाल था स्वाभिमान का। तो लड़के को पकड़ना भी जरूरी था, उसे ढकेलना भी जरूरी था, और सड़क पर ढकेलते हुए उसे चिपकते हुए गाड़ी तक ले जाना भी जरूरी था। और जब गाड़ी तक ले गए हैं साहब, तो ढकेल कर उसे गाड़ी में बैठाना भी जरूरी है। आप देखिए वीडियो में किस तरह से गर्दन पकड़कर, बाह पकड़कर, धक्का मारकर उसे गाड़ी में बैठाया जा रहा है। और साहब ने गाड़ी बंद कर दी और वहां से चले गए। क्या हुआ कोरोना वायरस का, क्या हुआ सोशल डिस्टेंस का, और क्या हुआ सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का, सवाल तो बनता है।